अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज रेसिपी हम जो शेयर करेंगे वो है सिंपल चिकन करी की फॉर बिगनर्स। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है चिकन, जिसकी क्वांटिटी 350 ग्राम तक है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 स्पून, ऐड कर रहे हैं 20 से 25 ग्राम दही, फिर ऐड कर रहे हैं इसमें 1 कच्ची प्याज, इसको हमने पीस लिया था, अब मैरिनेट कर लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा ऑयल हीट करना है। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है। ये इस ऑयल में हमने अपनी प्याज फ्राई करी थी, अभी हम आपको दिखाएंगे प्याज का यूज़। तो ऑयल हमारा हीट हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग। मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे। मसालों के चटक जाने के बाद उसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन अपना। इस चिकन को मैरिनेट करके आप चाहें तो थोड़ी ड्यूरेशन के लिए रख सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे के लिए या 1/2 आवर के लिए। यहाँ पे हम मैरिनेट करके डायरेक्टली कुक कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टर दे लेंगे इसको, थोड़ा सा भून लेने देंगे इसको। जब तक हमारा चिकन भुन रहा है तब तक हम अपनी ये जो प्याज हमने यहाँ पे फ्राई करी थी, ये 1 मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने सर्व कर लिया है, इसको हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे या हाथों से भी क्रश कर सकते। इसको 5 से 7 मिनट तक आपको खुला भूनना है। फ्लेम आपको हाई से मीडियम के बीच में एडजस्ट करनी है और बीच बीच में आपको स्टर करते रहना है। चिकन के भुनने में ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, ये एक अच्छा सा टिंट देगी। तो 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड करी है। फिर इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी क्रश अनियन, स्टर दे लेंगे। फिर जाएगा इसमें गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। अगर आपका स्पून बड़ा है तो आप उसको हाफ भी ले सकते हैं। सारे मसाले हमने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम वाटर ऐड करके इसको भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो चिपके ना। पाँच से सात मिनट तक खुला भूनने के बाद हमने इस पर लिड लगा दिया है। अब लिड लगाने के बाद थोड़ी देर इसमें पकेगा ये, और जब इसको ऑयल ऊपर हो जाएगा तब हम लिड हटाएंगे इसका। 3 मिनट तक इसको लिड लगा के पकाने के बाद यहाँ पे हमारा ऑयल जो है ये ऊपर आ गया है। तो अब बारी है इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा भुना भुना है। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं राइस के साथ खाने के लिए, तो इस स्टेज पे आप वाटर ऐड कर सकते हैं जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो, क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है और आप ही अपने हिसाब से ही ऐड करिएगा। तो अभी हम अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के लिए और वाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो इवनली कुक हो और इसकी इवन कंसिस्टेंसी हो। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हम फिर से लिड लगा के कुक करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होगा। तो 5 मिनट के बाद अपना लिड हटाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमारे ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये एक सिग्नल होता है कि आपका चिकन अच्छे से कुक हो गया है और इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं इवन कंसिस्टेंसी की हो गई है। तो अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। बहुत अच्छी से इसकी एक अरोमा आ रही है, बहुत ज़बरदस्त पक के तैयार हुआ है। इस पर कर लेंगे धनिया से गार्निशिंग। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरा तरीका आसान लगा होगा सिंपल चिकन करी का। ये बिगनर्स के लिए है, इसको कोई भी पका सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, आगे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।